वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड स्क्रीन। तो हर एक आदमी की एक पहचान होती है और लोग उन्हें उसी पहचान के जरिए ही चिन्हित करते हैं। लेकिन क्या हो अगर उसी पहचान के जरिए कोई खिलवाड़ करे, और अगर कोई अपना असली पहचान छुपाता है तो उसका असली अस्तित्व क्या होगा। मूवी की शुरुआत में एक पूरी तरीके से जख्मी एक आदमी की आँख हॉस्पिटल में खुलती है और वो अपने मेडिकल ट्यूब को उतार कर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेड से गिर जाता है और उसे कुछ फ्लैशबैक भी नजर आते है जहाँ पर वो वॉर में लड़ाई कर रहा था और यहाँ पर इस आदमी का नहीं बताया गया था। तो अब हम इसका नाम स्मिथ रखेंगे। अब स्मिथ हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करता है और तभी उसके पास एक केयर टेकर आता है और स्मिथ उस टाइम पर बेहोश हो जाता है। फिर जब स्मिथ को होश आता है तो वो देखता है कि वो केयर टेकर उसकी घाव की देखभाल कर रहा है और स्मिथ की भागने के चक्कर में उसकी सिलाई भी खुल चुका था और उसे बहुत दर्द भी हो रहा था और उसके पास ही एक फीमेल पेशेंट बेहोश पड़ी हुई थी। फिर केयर टेकर उसे हाथ को मूव करने के लिए कहता है, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर केयर टेकर उसे कहता है कि तुम्हें और भी देखभाल की जरूरत है। अब केयर टेकर के जाने के बाद में स्मिथ फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन केयर टेकर फिर से आके उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और स्मिथ वहीं पर बेहोश हो जाता है। केयर टेकर ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो दोनों वहां से भाग ना पाए। अब फिर जब स्मिथ को होश आता है तो वो देखता है कि वो फीमेल उसकी तरफ देख रहा है और स्मिथ कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो नहीं बोल पा रहा था, और तब वो फीमेल उससे कुछ सवाल पूछ दिए जिसका जवाब वो हाँ या ना में देता है। अब फीमेल उससे पूछती है कि हम कहाँ पर है, लेकिन स्मिथ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर फीमेल आगे उनसे पूछती है क्या वो उस केयर टेकर को जानता है, लेकिन स्मिथ को इसके बारे में भी कुछ नहीं पता था। अब फीमेल के अनुसार उसे लगता था कि केयर टेकर उन लोगों को नहीं बचाया होगा और उन दोनों को भी एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब अगले दिन केयर टेकर ये देखता है कि स्मिथ के हाथ में इन्फेक्शन हो चुका है। अब वो केयर टेकर स्मिथ को बेहोश करके उसके ऊपर फिर से ऑपरेशन करता है। अब होश आने के बाद स्मिथ को बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर केयर टेकर उनके लिए खाना लाता है, लेकिन स्मिथ उस खाने को नहीं खाता है और फीमेल चुपचाप उस खाने को खा रही थी और केयर टेकर स्मिथ को जबरदस्ती खाना खिला रहा था कि तभी फीमेल की गले में खाना अटक जाती है और उसकी सांस बंद होने ही लगती है कि तभी केयर टेकर उसे किसी तरीके से बचा लेता है। फिर इसके बाद वो केयर टेकर उन दोनों को एक्सरसाइज करवाता है ताकि उन दोनों की बॉडी के पार्ट और भी ज्यादा इम्प्रूव हो पाए। अब केयर टेकर स्मिथ से कुछ एक्सरसाइज करवा रहा था जिसकी वजह से स्मिथ को बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर अगले दिन केयर टेकर उन दोनों को घर के बाहर ले आते हैं अच्छा व्यू दिखाने के लिए, और वो फीमेल इसके लिए केयर टेकर को थैंक यू कहती है क्योंकि उसने उन लोगों की देखभाल की थी, लेकिन वो दोनों अपने अपने घर जाना चाहते थे। अब केयर टेकर उनसे कहता है कि ये हॉस्पिटल अब तुम्हारा घर है और वो लोग बहुत लकी है क्योंकि केयर टेकर उसके साथ है, और उस केयर टेकर को ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका कोई रिलेटिव उनको ढूंढ रहा होगा। अब वहां से जाने की बात करने की वजह से वो केयर टेकर उस फीमेल को सजा देना चाहता था। वो मेल को एक हथियार देकर फीमेल को नुकसान पहुंचाने की बात बोलता है, लेकिन स्मिथ उसे विश्वास दिलाता है कि ये हॉस्पिटल उनके लिए ठीक है और वो यहाँ से नहीं भागेंगे। अब केयर टेकर उनको उसकी फैमिली बोलता है और उसको गले लगाता है और उन दोनों को रूम में रेस्ट करने के लिए छोड़कर वो वहां से चला जाता है। अब जाने के बाद में फीमेल स्मिथ को समझाता है कि उनको उस केयर टेकर पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि उसी ने ही उन दोनों की जान बचाई है। फीमेल को बार बार किसी छोटी बच्ची के साथ रहने की फ्लैशबैक आ रही थी, लेकिन स्मिथ को कुछ भी नहीं याद था, वो सिर्फ इस हॉस्पिटल से भागना चाहता था। अब अगले दिन केयर टेकर फिर से आकर उन दोनों की बॉडी को चेक करता है और वो ऐसे जता रहा था कि वो दोनों की जान बचाने के बाद भी वो दोनों उसकी कोई वैल्यू नहीं देता था। वो मेल को खाना खिलाने लगता है कि तभी मेल की गले में खाना अटक जाता है। फिर केयर टेकर उसे संभाल लेता है, फिर उन दोनों को नहलाने के लिए ले जाते है। फिर स्मिथ को वहां पर अटैक आ जाता है, फिर वो केयर टेकर उसको एक दवाई इंजेक्ट कर देता है। अब रात को स्मिथ उस फीमेल के सहारे बाहर निकलता है, फिर वो फोन लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो फोन डेड था। फिर वो दोनों भागने का डिसाइड करता है। फिर दोनों रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी केयर टेकर अलार्म बजाकर उन्हें बोलता है कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब फीमेल को एक फ्लैशबैक आता है कि उसकी एक बेटी है, फिर वो उसे याद करके रोने लगती है। तब स्मिथ उसे संभालता है और उसे लेकर एक रूम में ले जाता है और वहां पर बहुत सारे लोगों के फोटो लगे हुए थे।
फिर तभी केयर टेकर उन दोनों को पकड़ लेता है। अब स्मिथ को बांधकर वो फीमेल से ये पूछ रहा था कि तुम दोनों की भागने की वजह क्या है, लेकिन फीमेल बोल देती है कि स्मिथ पहले ही इस हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रहा था। फिर केयर टेकर उसे पूछता है कि उसे क्या सजा दी जाए। फिर डर के मारे फीमेल बोलती है कि उसे ऐसी सजा दी जाए कि कभी वो ऐसी प्लान के बारे में बात नहीं करे। फिर वो केयर टेकर मेल के मुंह को सील देता है और वो फीमेल को एक इयररिंग देता है जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। फिर केयर टेकर स्मिथ का उंगली काटने वाला था, लेकिन फीमेल उस पर अटैक कर देती है। अब केयर टेकर फीमेल के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर वो फीमेल उस पर फिर से अटैक कर देती है और वो उसकी आँख को फोड़ देती है। फिर वो फीमेल स्मिथ को आजाद कर लेती है और स्मिथ एक कांच के टुकड़े से अपने मुख की सिलाई को काट देता है। अब इसके बाद में दोनों वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। फिर दोनों एक पोस्टमार्टम रूम में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज थी। फिर वो दोनों उन लाशों की खून से भरे हुए नाले से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर केयर टेकर अपने कुत्ते के साथ वेट कर रहा था। अब केयर टेकर उसे समझाता है कि वही एक अकेला उसका फैमिली है और बाहर कोई भी उनका अपना नहीं है। फिर केयर टेकर उस डॉग को उन लोगों के पीछे छोड़ देता है। अब उस कुत्ते से बचने के लिए वो दोनों फिर से पोस्टमार्टम रूम में आ जाते हैं। अब केयर टेकर फीमेल को पकड़ लेता है, लेकिन स्मिथ केयर टेकर के ऊपर अटैक करके वो दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। इसके बाद में वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और रास्ते में कोई भी कार उनकी मदद के लिए नहीं रुकती है। फिर अचानक से एक कार आकर उनके पास में रुकती है। फिर वो दोनों उस कार में बैठ जाते हैं, लेकिन उस कार में और कोई नहीं बल्कि उस केयर टेकर ही था। फिर दोनों किसी तरीके से उस कार से निकल जाते हैं और जंगल की तरफ भागते हैं। वो दोनों पहाड़ के आखिरी तक आ गए थे, लेकिन उन लोगों के पीछे ही केयर टेकर खड़ा हुआ था, लेकिन वो दोनों उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहते थे। फिर केयर टेकर स्मिथ को गोली मार देता है और फीमेल रिक्वेस्ट करता है कि किसी तरह वो उसको बचा ले। केयर टेकर अब फीमेल को गोली मारने वाला था, लेकिन स्मिथ वो रिंग को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। वो रिंग केयर टेकर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। फिर वो इयररिंग को देखने के लिए पहाड़ के किनारे आ चुका था तो फीमेल उसे धक्का देकर पहाड़ से नीचे गिरा देता है। अब फीमेल मदद के लिए चिल्लाने लगती है और दोनों को एक दूसरे का नाम भी नहीं पता था, यहाँ तक कि दोनों के खुद का नाम ही नहीं पता था, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे का नाम जॉन और एलिजाबेथ रखते हैं। अब एलिजाबेथ उसे जैसे तैसे रोड पर ले आती है और तब तक लोग भी आ गए थे उन लोगों की मदद करने के लिए। अब वो दोनों एक हॉस्पिटल में थे और पुलिस उनसे पूछताछ के लिए आए थे। अजीब बात ये थी कि उनके चेहरे के हिसाब से उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रही थी। फिर वहाँ पर एलिजाबेथ की बेटी आती है और उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ अभी तक जिंदा है, क्योंकि उसकी बेटी ने खुद उसे मरते हुए देखा था। अब इस मूवी की असली राज यही पर ही खुलती है। असल में मरे हुए लोगों की एक एक पर जोड़ के उन लोगों को ह्यूमन के रूप दिया गया था और ये सब पता चलते ही ऑथोरिटीज उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाते हैं। फिर तब जाकर उन्हें समझ में आता है कि वो केयर टेकर ही उनकी असली फैमिली था। फिर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो केयर टेकर अभी भी मरा नहीं था और उसे एक हाइकर ने ढूंढ लिया था, और बस यही पर ही ये मूवी एंड होती है।